तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको फाइन आर्ट क्लास 12 का थर्ड लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। इस लेसन का नाम है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड मॉडर्न इंडियन आर्ट। तो इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, भारतीय आर्ट में आधुनिक के रुझान पर एक नोट लिखिए। तो इसका आंसर है कि यूरोप में आर्टिस्ट के टेक्निक्स सीखने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आर्ट के बारे में नए अनुभव के प्रभाव को फैलाया। न्यू स्टाइल में आर्टिस्ट अपने खुशी और संतुष्टि के लिए पेंटिंग करना शुरू कर दिया और दूसरों की पसंद पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। आर्टिस्ट इम्प्रेशनिज्म यानी कि प्रभाववादी पर जोर डाला, जिससे अपने पेंटिंग को नया और मेटाफिजिकल यानी कि आध्यात्मिक के आकृति दिया। अपने विशेष प्रभाव वाद के द्वारा एक अलग सत्ता के लिए रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर और इनके फॉलोअर और अमृता शेरगिल के समय से ही पेंटर्स और आर्टिस्ट पर कलर कंपोजिशन यानी कि रंग का संरचना, कंट्री वेंस यानी कि युक्ति और टेक्सचर यानी कि बनावट का विशेष प्रभाव रहा है। करीब प्रत्येक के जो फेमस आर्टिस्ट थे, उन्होंने फिगरेटिव आर्ट से शुरुआत किया और दूसरे आर्टिस्ट का इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म यानी कि प्रभाववाद अभिव्यक्ति और पोर्ट एक्सप्रेशनिज्म यानी कि बंदरगाह अभिव्यक्ति के साथ झुकाव हुआ। तो विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्ति जैसे क्यूबिज्म और एब्स्ट्रैक्शन यानी कि घनवाद और भाव के द्वारा आर्टिस्ट ने लगातार प्रैक्टिस किया। इस प्रकार आर्टिस्ट नॉन फिगरेटिव और टोटल नॉन फिगरेटिव लेवल पर पहुंच गए। तो देयर आर थ्री न्यू मेजर ट्रेंड्स इन मॉडर्न आर्ट, आधुनिक आर्ट में तीन नया मुख्य रुझान है। इसका मेन थीम है डिपिक्शन यानी कि चित्र प्रदर्शन ऑफ डिस्टर्ब्ड सोशल अनरेस्ट एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ मैन्स सिचुएशन यानी कि सामाजिक अशांति और मानव की अस्थिरता को चित्रित किया गया, इसका मुख्य थीम था। इस पेंटिंग में, मॉडर्न पेंटिंग में किस तरह का थॉट को व्यक्त किया गया, इंटरेस्ट इन इंडियन थॉट एंड मेटाफिजिकल सोन इन तांत्रिक पेंटिंग, तांत्रिक पेंटिंग में भारतीय सोच की रुचि और आध्यात्मिक के सोच की रुचि दिखाया गया तांत्रिक पेंटिंग में। थर्ड पॉइंट है पेंटिंग हैज सिंबॉलिक इंपोर्ट यानी कि पेंटिंग का प्रतीकात्मक अर्थ था यानी कि पेंटिंग के द्वारा किसी चीज को अभिव्यक्त किया जाता था। द अदर लेटेस्ट ट्रेंड्स इन पेंटिंग आर, पेंटिंग में दूसरा दो मुख्य रुझान हैं। फर्स्ट है वैग्यू सुरियलिस्ट यानी कि अस्पष्ट अवास्तविकतावाद और दूसरा है फंटासी यानी कि कल्पना। तो द मूवमेंट ऑफ मॉडर्न पेंटिंग वाज ओरिजिनेटेड इन मुंबई एंड वाज फ्लोरिस्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया विथ चंडीगढ़ इन पंजाब एज मोस्ट पावरफुल सेंटर ऑफ आर्किटेक्ट। तो ये मॉडर्न पेंटिंग का आंदोलन की शुरुआत मुंबई में की गई और फिर मुंबई से भारत के विभिन्न हिस्सों में ये पेंटिंग
डेवलप हुआ और आर्किटेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया पंजाब का चंडीगढ़। आर्किटेक्चर यानी कि शिल्प कला, घर बनाने की जो कला था उसको, उसका सेंटर बन गया पंजाब के चंडीगढ़ में। विथ प्योरिटी ऑफ फॉर्म्स एंड टेक्सचर, तो इसका रूप और इसकी बनावट की शुद्धता के साथ। जस्ट ए पोजिशन इन द 19th सेंचुरी, टू फैक्टर्स रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर आर्ट। आर्ट का न्यू कॉन्सेप्ट के बर्थ में दो कारक सामने आते हैं इस 1917-19 में, और वह था देयर आर इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफी एंड एडवांसमेंट ऑफ कलर साइंस ऑफ द इम्प्रेशनिज्म। यानी कि यहाँ पर फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ, उसके बाद यानी कि प्रभाववाद का, रंग का, विज्ञान का विकास हुआ, और इसके साथ साथ भारत में मॉडर्न आर्ट का, मॉडर्न इंडियन आर्ट का प्रचलन शुरू हुआ, और इससे मॉडर्न इंडियन आर्ट में, तो अभी आप देखिए यहाँ पर कंटेम्प्रोरी इंडियन आर्टिस्ट यानी कि जो मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट और उनके जो पेंटिंग्स हैं उनके बारे में, पेंटिंग ऑफ कंटेम्प्रोरी इंडियन आर्टिस्ट यानी कि मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट का पेंटिंग और पेंटर का नाम। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो पेंटिंग में राम वैन क्यूशिंग द प्राइड ऑफ ओशियन, ये पेंटिंग है राम समुद्र के घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। तो इस पेंटिंग को किसने बनाया, तो इस पेंटिंग को बनाया राजा रवि वर्मा। दूसरा है पेंटिंग मैजिशियन, ये मैजिशियन पेंटिंग को किसने बनाया, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा मैजिशियन पेंटिंग को बनाया गया। सी है मदर एंड चाइल्ड, तो मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग को किसने बनाया, तो आर्टिस्ट का नाम है जेमिनी रॉय। और डी है थ्री गर्ल्स यानी कि तीन लड़कियों को डिपिक्ट किया गया, इसका आर्टिस्ट का नाम है अमृता शेरगिल। और ई नंबर में है मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा का पेंटिंग किसने बनाया, किस आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया, तो एम एफ हुसैन के द्वारा बनाया गया। गोशिप यानी कि गप शप करते हुए जो पेंटिंग है इसको किस पेंटर ने बनाया, तो एन एस बिंद्रे ने बनाया। और फिर अनटाइटल्ड पेंटिंग यानी कि वैसा पेंटिंग जिसका टाइटल नहीं है इसको किसने बनाया, तो इसको बनाया जी आर संतोष ने। तो अब भी आपने पेंटिंग्स और मॉडर्न इंडियन पेंटर्स के नाम को देखा। तो अभी आप देखिए यहाँ पर ग्राफिक प्रिंट्स ऑफ कंटेम्प्रोरी इंडियन आर्टिस्ट। ग्राफिक प्रिंट्स का मतलब होता है छाया चित्र, यानी कि मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट का छाया चित्र। तो यहाँ पर ग्राफिक प्रिंट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट यानी कि उससे ग्राफिक प्रिंट्स का क्या नाम था, उससे छाया चित्र का नाम क्या था, और उसके कौन इंडियन आर्टिस्ट थे, जैसे कि व्रिलपोल ये ग्राफिक प्रिंट्स है, इसको किसने बनाया, तो इसको बनाया कृष्णा रेड्डी ने। चिल्ड्रेन का जो ग्राफिक प्रिंट था किसने बनाया, तो इसको बनाया सोमनाथ होरे। देवी का ग्राफिक प्रिंट्स किसने बनाया,
तो ज्योति भट्ट, ऑफ वॉल्स ग्राफिक प्रिंट को किसने बनाया तो अनुपम शुड, और मैन वुमेन एंड ट्री का ग्राफिक प्रिंट्स किसने बनाया तो उस इंडियन आर्टिस्ट का नाम है के लक्ष्मा गौड। तो आपने अभी ग्राफिक प्रिंट्स के बारे में देखा, तो ये कंटेम्पोररी मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट में स्कल्पचर्स ऑफ कंटेम्पोररी इंडियन आर्टिस्ट यानी कि मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट का मूर्ति कला के कौन पेंटर थे, जैसे कि ट्रम्फ ऑफ लेबर, तो ये एक स्कल्पचर था, ये तराशा गया था मिट्टी या फिर पत्थर में, तो इसको किसने बनाया तो इसको बनाया डीपी रॉय चौधरी ने। तो ट्रम्फ ऑफ लेबर को बनाया डीपी रॉय चौधरी ने। उसके बाद संथाल फैमिली को बनाया राम किंकर वैज ने बनाया। क्राइस अनहियर्ड को किसने बनाया, अमरनाथ सहगल ने बनाया। उसके बाद गणेशा को किसने बनाया तो पीवी जानकी राम ने बनाया। और चतुर्मुखी को किसने बनाया तो ऐका वडागिरी रॉय ने बनाया। तो आपने अभी देखा स्कल्पचर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट यानी कि भारतीय आधुनिक के आर्टिस्ट ने जो मूर्ति कला का प्रदर्शन किया, कौन कौन सा स्कल्पचर था, कौन कौन सा मूर्ति कला था और उस कलाकार का क्या नाम था।